शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री साई सेवाधारी मित्र मंडल की ओर से शहर के ब्राह्मण पुजारियों को अनाज किट का वितरण विधायक मोहन मते के हाथों किया गया। इस मौके पर पुजारियों ने ब्राह्मण पेंशन का निवेदन उन्हें दिया है। श्री साई सेवाधारी मित्र मंडल नागपुर की ओर से शहर के मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण भिक्षुकों को अनाज किट का वितरण किया गया। लॉकडाउन के चलते इन ब्राह्मण पुजारियों को मंदिर में ताला लगने से इन ब्राह्मण पुजारियों को पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। ऐसे में मंदिर के ट्रस्टी द्वारा उन्हें वेतन भी बहुत ही कम दिया गया, तो वहीं कई मंदिर ट्रस्टी ने इन्हें तनख्वाह भी नहीं दी, जिसके चलते भूखे मरने की नौबत इन पर और इनके परिवारों पे आ पड़ी है। ऐसे में श्री साई सेवाधारी मित्र मंडल नागपुर की ओर से विधायक मोहन मते इनके हाथों अनाज किट का वितरण किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण भिक्षुकों ने अपनी तमाम समस्याओं का एक ज्ञापन विधायक मोहन मते इन्हें दिया। अखिल ब्रह्मवृंद सेवा संस्था दक्षिण पश्चिम नागपुर के ब्राह्मण भिक्षुकों ने शासन की ओर से हर माह अनुदान मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसी मांग की है। विदर्भ में 50,000 ब्राह्मण भिक्षुक हर मंदिर में हर रोज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके कामकाज पूरी तरह से बंद है। इस पूरे मुद्दों पर शहर के ब्राह्मण भिक्षुकों ने अपनी आप बीती इन बीसिन के समक्ष बताई। अभी 3 महीने हो गए लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर पूरे बंद है, पूजा पाती भी लोगों ने बंद कर दी है, शादियां बंद हो गई, सब कथा वगैरह सब पूरे बंद हो गए, तो सब घर में बैठे हैं, कुछ काम धाम कुछ भी नहीं है। तो इसे सरकार से ये मांगे कि हमारे तरफ ख्याल दे और मासिक उत्पन्न कुछ हमारे को दे दे, चालू करे और पेंशन योजना भी चालू कर सकते हैं। जो लोग मंदिर में काम करते हैं उनको तो सैलरी मिलती है, लेकिन सभी लोग मंदिर में नहीं करते, कुछ कुछ लोग अपने जेठमान लोगों के यहाँ जाके काम करते हैं, तभी वो पूरे काम बंद हो गए। शादी, वास्तु, भोज वगैरह जो उपनयन संस्कार है वो सब पूरे बंद हो गए, इसलिए अभी फिलहाल किसी को कोई काम नहीं है, सब अपने घर में बैठे हैं। तो इसके लिए सरकार ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ये तमाम जो भिक्षुक देख रहे हो आप, ये पूरे नागपुर शहर के अलग अलग परिसर से आए हुए हैं। सर, ये बताए कि यदि जिस मंदिर में आप पूजा अर्चना करते हो, जहाँ पे ट्रस्ट होता है, यदि ट्रस्ट ने लॉकडाउन के चलते क्या आपको सैलरी मिली है? नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है। वो सैलरी नहीं बोल रहे, एक्चुअली मानधन बोल रहे हो, तो मानधन भी वो दे नहीं रहे हमको और कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। और वैसे भी मंदिर तो अभी तो बंद ही है पूरे 3 महीने से, तो उन्होंने 1 रुपये का मानधन भी दिया नहीं और कुछ किया नहीं हमारे लिए। तो हमारा ये कहना है कि सरकार ने हमारे तरफ ध्यान दे के हमारा कुछ उधर निर्वाह हो, ऐसा कुछ हमारे लिए सरकार ने करना चाहिए, ये हमारी विनंती है सरकार से बस। सर, ये यहाँ से एक्चुअली ये पौरोहित्य जो कर रहे भिक्षुक जो है, वो लोगों को हमने मानदंड देना चाहिए और शासन से यही अनुरोध है कि सब जो भिक्षुक लोग हैं उन लोगों की तरफ ध्यान दें। अभी साई मित्र परिवार की तरफ से हमें पता चला कि इनको जरूरत है, अभी लॉकडाउन के चलते इनको जरूरत है, तो साई मित्र परिवार की ओर से हमने राशन की किट की व्यवस्था की है, तो जिसके चलते हमने अभी तक 25 लोगों को किट बांट चुके हैं ये ब्राह्मण वृंद के। अभी फिर से ये किट बांटने का काम जारी रहेगा। इस समय में विधायक मोहन मते जो हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मोहन जी, ये बताए कि जिस तरह से आज इस जो ब्राह्मण जो वर्ग है, जो भिक्षुक का काम करते हैं और जिन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना इस लॉकडाउन में जो कर रहे हैं, जिनका पेट नहीं भर रहा है या गुजर बसर उनका नहीं हो रहा है, ऐसे में उन्होंने जो ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन में क्या बातें थी, क्या कहना चाहोगे आप? खरा अर्थान पाहायला गेलं की ज्यावेळेस लॉकडाऊनची सुरुवात झाली, आज मला वाटतं 3 महिन्याचा काळ होता आहे, आणि या 3 महिन्याच्या काळात खऱ्या अर्थानं जे बाराबलुतेदार आपण म्हणतो, वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारा, म्हणजे गावाची जी परंपरा होती, त्या परंपरेनुसार प्रत्येक गावात एक घर नावायचं असेल, एक घर सोनाराचं असेल, एक घर सुतारायचं असेल, वेगवेगळे समाज शेतकऱ्यांच्या शेतकरी कामगारांचे आणि त्यांच्या भरोशावर जे त्याचे पोट जे कामं म्हणतो, जे शेतीला लागणारे जे कामं असतात, ते कामं या माध्यमातून करते। बाराबलुतेदार जे आहे
त्यांना या संदर्भात त्यांना फार मोठ्या हालापेष्टा सोसावं लागतं आहे अशी आज परिस्थिती आहे. आणि लोकांचे कामं चालले गेले, जे बाहेरचे मजदूर आहेत नागपूरला आले, म्हणजे मायग्रेट मजदूर आपण ज्याला म्हणतो, तर मायग्रेट मजदूर इथनं आपल्या गावात परत शिफ्ट झाले, आपल्या आपल्या प्रांतात गेले. आज आपण पाहतो मोठ्या प्रमाणात लोकांना बेरोजगारी भेडसावते आहे. खऱ्या अर्थानं जे छोटे छोटे काम करणारे जे व्यावसायिक होते यांची आज दुर्दशा झालेली आपण पाहतो, परंतु तिथे रुळायला वेळ लागणार आहे. आणि त्याच्यामुळं शासनाने आमच्याकरता काही करावं अशी भावना ब्राह्मण सभेची आहे, भिक्षुकी समाजाची आहे. खऱ्या अर्थानं भिक्षुकी समाज जो आहे कुठे आपण पाहतो की लग्न समारंभात ब्राह्मण म्हणून काम करतात. आज लग्नाचा सीझन पूर्ण चालला गेला आहे. येणाऱ्या काळात आता गणपतीचा उत्सव असेल, जन्माष्टमी असेल, दुर्गोत्सव असेल, शारदोत्सव असेल, तर हे जे आता येणारा दिवाळी आहे तर याच्यात त्या लोकांना काम मिळते. परंतु आज आपण पाहतो आहे सगळं लॉकडाऊनमुळे त्यांची अवस्था इतकी वाईट झालेली आहे आणि त्यांना कुठलाही दुसरा व्यवसाय नाही, भिक्षुकीशिवाय पर्याय नाही. आणि त्याच्यामुळं समाजाने देत असताना सरकारने त्यांच्याकरता काही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. खऱ्या अर्थानं माननीय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी, मी स्वतः कलेक्टरशी बोललो, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांशी बोललो की 12 बलुतेदार जे आहे ह्या समाजाकरता शासनाने काहीतरी करावं, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये. त्याचप्रमाणे हे जे भिक्षुकी करणारे जे ब्राह्मण आहेत यांच्याही करता मला असं वाटतं मुख्यमंत्र्यांनी या पूर्ण महाराष्ट्रात जे जे भिक्षुकी करणारे ब्राह्मण आहे यांचं नॉमिनेशन करून त्यांच्याकडे त्यांच्या घरी खर्चाकरता खाण्याकरता आहे नाही आहे त्यांच्याकरता आपण काय व्यवस्था करू शकतो, जेणेकरून ते उपासमारीमुळे त्यांना त्रास होणार नाही कुठलाही. आणि शेवटी भुके भजन गोपाला, उपाशी पोटी राहून कोणी पूजा करू शकत नाही. त्याच्यामुळे सरकारचं दायित्व आहे, आपला हा देश आहे, हा देश सनातन आहे, आपली संस्कृती सनातन आहे आणि जे काही संस्कार आपल्यावर होत आहेत त्या संस्काराच्या माध्यमातून हा देश चालतो आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राम जन्मभूमीचं जे काही हायकोर्टाच्या माध्यमातून निघालं, आज अनेक संत महात्मे आपले देशासाठी वेगवेगळ्या व्यवस्थेत आहेत. मला असं वाटतं ह्या समाजाविषयी खऱ्या अर्थानं मुख्यमंत्र्यांनी आणि आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी या समाजावर आपण काय समाजाकरता काय करू शकतो हे करण्याची आज खऱ्या अर्थाने वेळ आली आहे. आणि माझी विनंती आहे की मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून महाराष्ट्रात भिक्षुकी करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या उदरनिर्वाहाकरता, त्यांच्या भविष्याकरता, त्यांच्याकरता काही एक पॅकेज त्यांनी द्यावं अशी मी शासनाला विनंती करतो. तो आप थे विधायक मोहन मते जिन्होंने बखूबेर बेबक के साथ बात करते हुए राज्य सरकार से ये अपील की है कि उन्होंने ऐसे जो भिक्षुकी करने वाले हैं ऐसे ब्राह्मण वर्गों को मदद करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी प्रभावित हुए हैं वे लोग, अगर उनके काम का जरूर आना चाहिए, कुछ इस तरह की अपील किया है. और उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ दिनों पहले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधायक मोहन मते आप दोनों भी राज्य सरकार से मिले थे, उनको इस विषय को लेकर उन्होंने चर्चा भी की थी, लेकिन चर्चा हुई थी लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है. अब शहर की जनता और भिक्षुक वर्ग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें से हल निकले, क्योंकि लोकतंत्र में जीने वाला कोई भी लोग भूखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद है लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं. यही कुछ चित्र नागपुर शहर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का दिख रहा है. कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर. नमस्कार.